आज है वो है 30वां रोजा। माँ 30वां रोजा आ गया। मेरी दुआ सुन ली, मेरी तो क्या उसे सबकी यही दुआ थी कि 30 रोजा उन्होंने हम सबकी सुन ली। सो आज जो है वो है चांद रात, लेकिन अभी जो है वो रोजा ही चल रहा है। बट अभी जो है चांद रात की हो चुकी है कि चांद रात हो गई क्योंकि आज चांद रात ऑब्वियसली आज चांद रात होगी। और मगर ईद की मतलब रमजान का दुख है मुझे, बट कोई ईद की खुशी भी अब बहुत खुशी तो बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि 30 रोजे हो गए हैं ना इसी की। अब हम लोग घर में जो है बहुत तैयारियाँ हो रही हैं ज़ोरों शोर से चांद रात की। सो यहाँ पे जो है बहुत कबाड़ा पड़ा हुआ है अभी क्योंकि जो है लगा रहे हैं बेडशीट लगा रहे हैं पर्दे लगा रहे हैं चेंज कर रहे हैं हर चीज़ को, क्योंकि हर चीज़ को चेंज कर रहे हैं। सफाई तो हमने पहले ही कर ली थी। और कल का जो है ईद का कल का जो ब्लॉग होगा ना बहुत स्पेशल होगा, बहुत मज़े वाला होगा। और मैं जो है ना ब्लॉग के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं ब्लॉग करूँ। सो मैं आपको दिखाती हूँ कबाड़ा या नहीं दिखाती, देखते दिखाती हैं। तो ये सब कबाड़ा है जो कि लग रहा है हमारे घर में। ये जो है वो चादर वो वाली लगेगी, गद्दियों पे जो है हमारी ये वाला कवर लगेगा, छोटी गद्दियाँ जो है, और ये पर्दे हैं आई थिंक सो यस, और ये मेरा दुपट्टा टनाना। सो अभी चांद रात का पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो अभी तो अफ्तारी भी नहीं हुई, तो चांद रात का पूरा दिन पड़ा हुआ तो आप हमें सब कनेक्टेड रहिएगा। अभी हमने मेहंदी भी लगवाई, नहीं लगवा क्योंकि अभी सुबह हो गई, अभी सिर्फ 1 बजे नमाज भी पढ़ी है, बस पढ़ती हूँ फिर आपसे नमाज। सो गाइस मैंने नमाज़ पढ़ी थी, मैं नमाज़ पढ़ के फारिग हो चुकी थी, अब देखते हैं आगे होता है क्या। यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली, 1 2 3। ये तो आ गया, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक लाइक लाइक, गुड 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 गुड। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी इसमें बहुत सारी गंदी चीज़ें थी, अब मैं इस पर भी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा 1 2 3। वाह ये तो गायब हो गया, मैं आपको एक सीक्रेट दिखाऊंगा, लुक एट इट, मैंने सारा कबाड़ उठा के यहाँ फेंक दिया। आई एम जीनियस गाइस। सो हमने ये बिल्कुल चकाचक साफ़ कर दिया है, गुड गुड, और ये भी हमने चकाचक साफ़ कर दिया, नाइस। हमने चीज़ों को तो साफ़ कर दिया लेकिन हमने अपने आप को साफ़ नहीं किया, तो मैं भी नहाने जाऊँगी अभी थोड़ी देर बाद। सो गाइस घर की तो हमने सारी तैयारियाँ कर ली, जैसे जब चांद रखो यानी जो ऐसे अचानक रमजान अचानक ईद की वो मिलती थी ना, तो हम लोग रात को करते थे क्योंकि हमें लगता था कि भैया अब क्या, क्योंकि 29 जब रोज़े होते थे हमें पता नहीं होता था कि 30 रोज़े होंगे या 29। अब मैं जो इस पर एलोवेरा जेल लगाने जा रही हूँ, ये रहा एलोवेरा जेल, अब मैं ये लगाती हूँ। एलोवेरा जेल भी लगा लिया था, अब आगे आगे जो होगा मैं आपको दिखाती रहूँ साथ साथ। मेहंदी लगाने का तो कोई सीन ही नहीं बनता है ना, मतलब क्या यार रात में लगता है, रात के 10 बजे लगाना पड़ेगा, देखते हैं क्या जो भी होगा, मैं अपनी बात से आपको आगाह करती रहूँ, सही है। 2000 years later। सो गाइस मैं नहा चुकी थी, मैं आगे आ चुकी थी और फ्रेश फ्रेश हो चुकी थी, अब आगे देखते हैं होता है क्या। रोज़ा भी खुलने वाला है, अभी हो रहे हैं 6:22 और 6:22 हो रहे हैं अभी, और रोज़ा जो है वो 6:58 या 7। सो गाइस अब इफ्तारी करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सो एवरीवन खुशखबरी है कि मैंने अपने दोनों हाथों पर मेहंदी लगा लिया, मैं आपको दिखाऊँ, ये मेरी फर्स्ट मेहंदी, मैं दूसरी भी दिखाती हूँ, मुझे ऐसे ही बनानी पड़ी। हम 8 बजे तकरीबन जो है वो निकले थे और मैंने लगाई, ये तो मेरी बहन ने लगाई और ये वाली उसने लगाई जिसके हम गए हैं, उन्होंने आएंगी। अब हम लोग कल के ब्लॉग में मिलेंगे, ईद के ब्लॉग में, ईद स्पेशल ब्लॉग।